तो यार अगर आप मार्वल स्टूडियोज की मूवी देखते हो और अगर आपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है तो देवी और सजनों खुश हो जाओ, क्योंकि अब एक ऐसी मूवी हमारे इंडिया में भी आने वाली है। मतलब यार कोई इंडिया का टोनी स्टार्क अब खुद का एक अल्ट्रॉन बना रहा है। बस फर्क इतना है कि ओरिजिनल टोनी अल्ट्रॉन से अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता था और ये फेक टोनी अपने फेक अल्ट्रॉन से इंडिया को खत्म करना चाहता है। हाँ ये कर लो पहले। अब नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बात कर रहा हूँ हाल ही में आए बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टीजर के बारे में। अब यार अगर आपने ध्यान से उस टीजर को देखा होगा या मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं वो कैसे देखी होगी, मेरी वीडियोस वाला कौन देखता है। पर अगर आपने नोटिस किया हो तो उस टीजर में हमें उसके मेन विलन की भी झलक दिखाई जाती है। अब उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, पर हमें उसके कुछ डायलॉग सुनाए जाते हैं जिसमें वो कुछ विनाश और तबाही की बात कर रहा होता है और साथ ही में ये भी कह रहा था कि नाउ हु विल स्टॉप मी। अब मेरे इंग्लिश में टॉपर भाइयों को ये बता देता हूँ कि ये मास्क भला मनुष्य ये कह रहा होता है कि अब मुझे कौन रोकेगा। अब इतने बड़े डायलॉग मारने के पीछे भी एक बड़ा कारण है जो कि हमें आगे दिखाया भी जाता है। मतलब इसके इतने कॉन्फिडेंट से अब मुझे कौन रोकेगा वाला डायलॉग मारने के पीछे भी एक कारण है। अब तुम लाइट को मैं बताता हूँ। तो यार इस मूवी का मेन विलन यानी ये मास्क वाला आदमी और इसकी टीम इंडिया के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसमें इंडिया को घुटनों पर लाने के लिए ये कुछ AI रोबोट्स को बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे। अब इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में अल्ट्रॉन का एग्जांपल दिया था। अब अल्ट्रॉन भी एक AI रोबोट था और वो कितना ज्यादा पावरफुल था इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हो कि उसे रोकने के लिए सभी अवेंजर्स को एक बार फिर से असेंबल होना पड़ा था। पर अगर आप मार्वल को फॉलो नहीं करते हो और अगर आपने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन नहीं देखी है तो यार आपने रावण एंड रोबोट मूवी तो जरूर देखी होगी। अब उन दोनों मूवीज में जो शाहरुख खान एंड रजनीकांत के कैरेक्टर्स होते हैं यानी जीवन एंड चिट्टी, वो भी AI रोबोट्स ही होते हैं और वो कितने ज्यादा पावरफुल थे ये तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। तो यार अब उसी तरह के खतरों को इस मूवी का मेन विलन भी बना रहा है जिन्हें इस मूवी में हमारे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ रोकेंगे। अब इस सीन में जिसमें एक हेलीकॉप्टर एंड मिसाइल से इन आर्मी की गाड़ियों पर हमला होता है, यहाँ से शायद इस मूवी का मेन विलन कुछ चुराने वाला है। अब जरूर वो कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती चीज होगी, इसीलिए तो उसे इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है। अब उसी की हेल्प से इस मूवी का मेन विलन शायद इन AI रोबोट्स को बनाने की कोशिश करेगा जिसकी भनक हमारी सीक्रेट एजेंसी को लग जाएगी और यहीं से वो अपनी टीम के दो टॉप ऑफिसर्स को चुनेंगे यानी अपने टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार के कैरेक्टर को और उन्हें एक मिशन देंगे जिसके तहत उन्हें इस विलन के मंसूबों पर पानी फेरना है यानी उन रोबोट्स के मरने से पहले ही उन्हें खत्म करना है। एंड अगर इस सीन को गौर से देखोगे तो अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर इस विलन की उसी लैब में है जिसमें वो अपने रोबोट्स को बना रहा होता है और गन से हमारे दोनों हीरोज उन्हीं रोबोट्स के पॉड्स को ब्लास्ट कर रहे हैं। अब जरूर ये जो मूवी का मेन विलन है वो कोई घर का ही भेदी होगा क्योंकि जिस जगह पर ये विलन अपने रोबोट्स को बना रहा होता है उस जगह पर जेट के निशान वाला एक लोगो था और यही सेम लोगो इस सीन में भी है इन ऑफिसर्स के पीछे। एंड इनमें से अगर आप गौर लगाकर देखोगे तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार ही है। तो जरूर कोई अंदर का ही बंदा है जो कि इंडिया को अंदर से खत्म करना चाहता है जिसके लिए वो इन AI रोबोट्स का सहारा ले रहा है। बट यार आई डोंट थिंक कि पूरी मूवी के मेन विलन को एक AI रोबोट बना देना एक बढ़िया डिसीजन होगा। अब हाँ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन रावण एंड रोबोट 2.0 के केस में ये चलता है क्योंकि वो अपने स्केल को ग्रैंड लेवल तक ले गए थे जिनमें स्टोरी से लेकर विजुअल इफेक्ट्स तक एकदम टॉप नॉच थे, जहां पर अगर आप अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को निकाल भी देते हो क्योंकि वो यार एक मार्वल की मूवी है तो उसके तो VFX एंड स्टोरी टॉप नॉच होनी होनी है। पर उसके अलावा अगर आप हमारे इंडिया में ही बनी रोबोट 2.0 एंड रावण का भी एक एग्जांपल लेते हो तो उनके भी स्केल को छूना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर स्टोरी ये जैसे तैसे अच्छी बना भी देते हैं तो VFX में तो ये पक्का हगेंगे, मतलब 100 में से 100 हगेंगे। और ये देखो इस रोबोट वाले सीन में तो हग भी दिया। आप देख लो इन दोनों एवेंजर्स में क्या फर्क है, मतलब एक में तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का अल्ट्रॉन है और एक में हमारा ये देसी अल्ट्रॉन है। अब हाँ मुझे पता है ये विजन है पर पहले यही अल्ट्रॉन होने वाला था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरी मूवी का मेन विलन ये AI रोबोट हुआ तो मूवी पक्की गणपत का पहाड़ होने वाली है। मतलब यार क्या जरूरत है ऐसी चीजों को दिखाना जो कि हमारे बस की बात नहीं है। अरे कम से कम टाइगर श्रॉफ को तो समझ जाना चाहिए था, उसकी तो पिछली मूवी बहुत बुरी पिटी है। पर नहीं यार हम मूवी के आने से पहले इसे अच्छी या बुरी नहीं बोल सकते हैं बुरी बोलने के बाद, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर उसके अपोजिट होता है यानी मूवी का मेन विलन AI रोबोट ना होकर ये मास्क वाला भाई साहब ही होता है तो शायद मूवी अच्छी निकल सकती है क्योंकि उस केस में ये मूवी हमें कुछ वॉर एंड पठान वाली फील दे सकती है। बाकी यार आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो अपनी अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर देना। एंड हाँ यार अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार एक लाइक तो बनता ही है। बाकी यार अगर हनुमान मूवी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो कि उस मूवी के यूनिवर्स में आगे क्या होने वाला है तो यार वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।